ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिते नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूं। श्री गुरुदेव की। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूं। उसके उपरांत श्री गुरुदेव की जय। उसके उपरांत वृंदावन से आए समस्त ब्रह्मचारी गणों के चरणों में एवं ब्रह्मचारी जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में एवं समस्त यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का आज द्वितीय दिवस है। कल बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनने को मिली जिससे हम लोग भक्ति में अग्रसर हो सके। वास्तविकता में कल हमने श्रवण किया कि हम लोग ये देहात्म बुद्धि मतलब क्या होता है, देह को आत्मा मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो ये देहात्म बुद्धि करके हम ये जीवन जब बिता देते हैं तो जो मनुष्य जीवन हमें मिला जो कि बड़ा ही दुर्बल है, दुर्लभ है, एकदम से नहीं मिल पाता, भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण जब कृपा होती है तो ये मनुष्य जन्म मिलता है जिसके लिए स्वर्ग के समस्त देवी देवता ललायित रहते हैं कि एक बार मनुष्य जन्म मिले और हम सदगुरु परंपरा में सदगुरु देव के चरणों का आश्रय ग्रहण करके भजन करके इस तीनों लोकों को पार करके अतिक्रमण करके हम भी भगवान के धाम में जाकर के उनकी नित्य सेवा में निमग्न हो जाए। परंतु हम लोग श्रवण करके भी उसे अश्रवण कर देते हैं, सुन करके भी उसे असुना कर देते हैं, जो कि हमारे लिए घातक है। श्रीमद् भागवत में बताया कि जो अपने कल्याण के लिए व्यक्ति नहीं सोचता है वह तो आत्मघाती है। सदगुरु परंपरा सदगुरु देव के मिलने के पश्चात भी यदि वह गुरुदेव को और गुरुदेव की महिमा को और उनके द्वारा प्रदान किए हुए मंत्र को की महिमा को नहीं जान पाता, उसको साधारण मान लेता है मंत्र को और गुरुदेव को, तो उसका दुर्भाग्य ही है। क्योंकि भगवान दिव्य हैं, देवी देवता भी दिव्य हैं, परंतु वो उतने परिमाण में दिव्य नहीं है। वो क्षुद्र दिव्य हैं और भगवान महान दिव्य हैं, और भगवान के निज गण भी सभी दिव्य हैं। उन दिव्यता को यदि उनके समीप में रहकर के भी नहीं समझे तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। बार बार गुरुदेव भक्त लोग वैष्णव लोग हमारे समीप पर आते हैं और हमें जो भक्ति का मार्ग है उसमें हमको लगाते हैं और प्रमाण दे दे के समझाते हैं कि मनुष्य जन्म यहां पर बड़ा ही दुर्लभ है, इसे हम व्यर्थ ना जाने दें। उसके लिए जो कलयुग का महामंत्र है वह भी प्रदान किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये माया का जो संसार है इसमें माया की तीन शक्तियां, तीन गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और ये माया के तीनों गुण रज्जु के समान, रस्सी के समान रहने पर हम लोगों को ये बांधते हैं। कभी हम तमोगुण से बंधते हैं, कभी हम रजोगुण से बंधते हैं और कभी हम सत्वगुण से बंधते हैं। परंतु माया हमें बांधती नहीं, वो केवल और केवल आकर्षित करती है। हम ये जान लेते हैं कि हम बंध गए। जैसे कल हमने कथा श्रवण करी कि गधे ने समझ लिया कि मैं बंधा हुआ हूं, वास्तविकता में उसे बांधा नहीं गया था। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जैसे कोई शिकारी बंदर को पकड़ता तो कैसे पकड़ता है, वन के अंदर एक छोटे मुंह वाली मटकी को रख देता है, उसमें गुड़ रख देता है या कोई फल रख देता है, बंदर आकर के उसमें देखता है, झांक करके देखता है खाने की वस्तु है, उसमें हाथ देता है और हाथ दे करके जैसे ही गुड़ जो बड़ी ढेली होती है उसको पकड़ के जब बाहर निकालने का प्रयास करता है तो उसका हाथ जो है निकलता नहीं और वो सोचता है इस मटकी ने मुझे पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार से ये संसार हमको नहीं पकड़ता, हम संसार को पकड़े हुए। यदि हम ये जान गए तो मुक्ति के लिए जो बड़े बड़े कर्मी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी पूरा जीवन, एक ही जीवन नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो लगे हुए हैं, जो हिमालय की गोद में जाकर के तपस्याएं करते हैं, वो केवल और केवल मुक्ति के लिए भागते हैं। और मुक्ति, मुक्ति किसके पीछे भागती है? मुक्ति कहे गोविंद से, हे गोविंद मेरी मुक्ति बताए, मतलब मेरी मुक्ति भी बता दो किस प्रकार से होगी। और मुक्ति जो कर्मी का या ज्ञानी का या योगी का जो फल है वो मुक्ति बिना भक्ति के दे नहीं पाती। मुक्ति भी प्रेमा भक्ति के चरणों में जाकर के उनकी आश्रित होना का प्रयास करती है, तब जाकर के कर्म का फल मिल पाता है। जब भक्ति का कुछ छीटा कर्म योग में होगा तब कर्म कांड फलीभूत होता है, जब भक्ति का कुछ छीटा ज्ञान योग में पड़ता है तब ज्ञान योग का फल फलीभूत होता है। ऐसे ही योगियों को भी जब कुछ कुछ भक्ति का छीटा पड़ता है तब जाकर के वो परमात्मा को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो जो लोग मुक्ति के लिए भागते हैं उनके लिए बतलाया कि मुक्ति कैसी है, जो निर्विशेष ब्रह्म में अपने को विलीन कर देना चाहते हैं। पांच प्रकार की मुक्तियां हैं, जिसमें सायुज्य मुक्ति जो कि कदापि भक्तों को पसंद ही नहीं, वास्तविकता में भक्तों को तो कोई भी मुक्ति चाहिए नहीं। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, भक्त को केवल और केवल भगवान की सुंदर सेवा करने की अभिलाषा जागृत रहती है और हमेशा अपने को सेवा करने के लिए प्रस्तुत रखता है। दूसरी जो सायुज्य भक्ति है ये ब्रह्म से एक्या, ब्रह्म एक्या मुक्ति, सायुज्य भक्ति। इसमें बतलाया कि जीव जो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहता है इसको हे कहा, इसको तुच्छ कहा, इसको बहुत ही घृणा से देखा गया। कारण, कारण इसका यह है कि जिस प्रकार से कोई चींटी चीनी के ढेर में जाकर के चीनी खा रही है और वो वहां जाकर के चीनी खा करके उसी में मर जाती है, वो लगभग चीनी ही के समान हो जाती है, मिल जाती है, तो अगर वो चीनी बन जाए चींटी तो क्या वह जो आस्वादन मिठास का हो रहा था वो किसी को हो रहा है, नहीं हो रहा है? या इस तरह समझिए, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ले को खाने के लिए जीवा होनी चाहिए, रसगुल्ले का रस का आस्वादन करने के लिए जीवा होनी चाहिए। यदि जीवा नहीं होगी तो रसगुल्ले का आस्वादन कैसे पता चलेगा? यदि हम चाहें कि हम भी रसगुल्ला बन जाएं तो आस्वादन नहीं हुआ, रसगुल्ला बन के बैठ गए। अर्थात जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म बन जाएंगे, ये मटका रूपी शरीर जब ये फूट जाएगा, ये घट जब टूट जाएगा, तो जो बाहर का आकाश है इस घट
घट के अंदर जो आकाश है आपस में एक हो जाएगा तो वो बड़ा ही निरर्थक है, बहुत गलत प्रकार की मुक्ति बतलाई है। उसमें अपना अस्तित्व खो देना ये मुक्ति बहुत ही ज्यादा हे और तुच्छ बतलाई है, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया समस्त जीवात्माओं को, एकमात्र संबंध स्थापित करके प्रेम प्रदान करने के लिए, और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, एकमात्र सेवा से। भक्ति ही सेवा है, और जो भक्ति करना नहीं चाहता, जो सेवा करना नहीं चाहता, वो भगवान से अपने आप को एक हो जाना चाहता है, ब्रह्म से एक हो जाना चाहता है, तो उसके लिए भगवान को भी इतना अच्छा नहीं लगता। वो भी सोचते हैं मैंने इसको इतना सुंदर अवसर प्रदान किया कि मेरी सेवा करके मेरे साथ खेले, मेरे साथ खाए, मेरे साथ वन में चले, वो सब इसने अवसर त्याग करके एकमात्र मुझ में विलीन होना पसंद किया, तो ऐसी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। और चार प्रकार की है, जिसमें सामीप्य, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के अपने समीप में ही जीवात्मा को उसका स्वरूप प्रदान करके अपने धाम में ला करके उनको वास देते हैं। और सालोक्य एक और मुक्ति है, जिसमें अपना लोक प्रदान कर देते हैं, जिस प्रकार से भगवान आनंद करते हैं अपने लोक में, ठीक इसी प्रकार से उस जीवात्मा को स्वरूप प्रदान करके उस लोक में लाते हैं। एक शास्त्री है, उसको भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो मुक्तियां हैं भक्त को नहीं चाहती, भगवान चाहते हैं कि तुम भाई मुक्ति ले लो, कोई भोग वस्तु ले लो, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता। वो एकमात्र क्या स्वीकार करता है, हे प्रभु मैं तुम्हारा किंकर हूं, किंकर मतलब किम करोति, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं आपकी, और मैं आपका ही दास नहीं, मैं तो आपके दासों का दासों का दासों का दास हूं। ये भावना जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। कई बार बड़े सौभाग्य साथ, बड़े सौभाग्य से ऐसी शुद्ध गुरु परंपरा मिल जाती है, ऐसे शुद्ध संत गुरु रूप में मिल जाते हैं, तो भी हम लोग ठीक उस प्रकार से जैसे एक बालक के हाथ में अचानक से आया हुआ कोई हीरा, वो उसको गेंद समझ के खेलता है और खेल खेल में उसको खो देता है, ऐसे ही हमने देखा कई ऐसे लोग जो अश्रद्धा या मन में कपटता होने के कारण और प्रतिष्ठा आशा के कारण ऐसे सदगुरु के चरणों का आश्रय तो ग्रहण कर लेते हैं, तो भी भक्ति को वो इतनी महत्ता ना दे करके अपनी प्रतिष्ठा और गुरु वर्गों को ठगने का प्रयास करके अपना जीवन नरक में बना लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव का नाम है ईश्वर पुरीपाद, और उनके गुरुदेव का नाम है श्री माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद के दो शिष्य हैं, एक है ईश्वर पुरीपाद और दूसरे उनके शिष्य तो बहुत है, लेकिन मैं एक आपस में तुलना कर रहा हूं। एक है रामचंद्रपुरी, तो देखिए दोनों को वही शक्तिशाली मंत्र प्रदान किए गए, दोनों को वही दीक्षा दी गई और दोनों को वही सुंदर और शक्तिशाली गुरु मिले, माधवेंद्रपुरीपाद, तो भी एक ईश्वरपुरीपाद जो है भगवान के ही गुरु स्वरूप में आए और तो भी अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट मान के जो है महाप्रभु को तो कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको कौन दीक्षा दे सकता है, लेकिन महाप्रभु के जब रोने से और आलिंगन करने से और आदेश को ग्रहण करके उन्होंने उनको दीक्षा दी। और यहां पर जो रामचंद्र हैं, रामचंद्रपुरी, ये पुरी में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सुंदर तरीके से अपने भक्तों को रोज संकीर्तन कराते और नाना प्रकार से उनको आनंद का आस्वादन कराते, कभी किसी भक्त के घर, कभी किसी भक्त के घर में जाते, तो वहां पर ये रामचंद्रपुरी भी प्रस्तुत हुए। अब यहां पर इन्होंने देखा ये मेरे गुरु तुल्य हैं, चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं ये मेरे गुरु तुल्य हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ईश्वर पुरीपाद के गुरु भ्राता हैं, गुरु भाई हैं, तो मुझे इनका आदर करना चाहिए। उन्होंने बुला करके उनको सुंदर जो है प्रसाद पवाया।
प्रसाद पा रहे थे और प्रसाद पवाते समय जब देखा उनके अंदर एक ये था कि कुछ भी दोष देखने की आदत बहुत थी। रामचंद्र पुरी ने देखा कि चीटियों की श्रृंखला चल रही है, चीटियां चल रही हैं। उन्होंने झांक कर देखा कि अंदर सुंदर सुंदर मिष्ठान मिठाई चीनी इत्यादि रखी हुई है, तो उसको देख करके एकदम से कहा, अरे चैतन्य तुम जानते नहीं हो सन्यासियों को ये मिष्ठान और ये सब शोभा नहीं देती, तुम्हें ये समझाया नहीं, ये तुम कैसे सन्यासी हो, तुम तो मिष्ठान खा रहे हो, बड़े बड़े आनंद ले रहे हो। इस तरीके से अगर तुम जीवा की तृप्ति करते रहोगे तो भजन कैसे होगा। उल्टा भगवान चैतन्य महाप्रभु को गए, तब लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास से पुनः भगवान की सुंदर सेवा की। देखो ठाकुर जी के लिए सब कुछ था, मिष्ठान बनती थी तो ठाकुर जी के लिए बनता था, भोग लगता था, इस चीज को वो नहीं समझ पाए। ऐसे ही हम लोगों को इस प्रकार से नहीं बनना है। गुरु Thank you.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन्मप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनीदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द एक बार हाथ धर लो बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं जथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना हो तो वो ग्रंथ को ऊपर में मत बजाएगा बंद वो ग्रंथ को ऊपर में चार विषय को ऊपर विचार करनी चाहिए। कहते पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित
बल जन्मांतरी भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले वही व्यक्ति भागवत कथा में बैठ सकते हैं, वही सुन सकते हैं जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म से कोई पुण्य उदय हुआ, वही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर भी पार्वती को यही बात कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाब दे इह सगत सोई। बोले पार्वती जिसको पर में ठाकुर का विशेष कृपा हो, इसलिए भगवान की एक डायरेक्ट कृपा और एक घुमा फिरा कर कृपा है, लेकिन जिसको पर में ठाकुर को डायरेक्ट कृपा हो पार्वती, बोले पाव दे इह संगत सो, वही व्यक्ति ये कथा में आ सकते हैं। इसलिए बोले अति हरि कृपा जहां पर हो, ठाकुर को विशेष कृपा जिसको प्रेम हो वही ये भागवत कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, सब जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रधर उदाहरण देते हैं, हाँ कथा तो अगर तुम्हारी अंदर में श्रद्धा हो ना, कथा श्रवण कर सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हो। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा है, कब जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जानती विश्व द्रोह अभी, अगर वो व्यक्ति विश्व द्रोह क्यों नहीं किया, उसने देवताओं को प्रति द्रोह क्यों नहीं किया, अगर किसने आदरी तबा अनुमोदित, अगर किसने बोल दिया भागवत कथा बहुत अच्छी बात, कथा होनी चाहिए, अगर किसने इतना मात्र भी बोल दिया ना, बोले सद्य अपनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही वो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवत गति को प्राप्त कर सकता है, अगर इतना किसने अनुमोदन भी कर दिया। इसलिए पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। उदाहरण दिया, कल हम सुन रहे थे धुंधुकारी, कहते धुंधुकारी महाखल, उसको उदाहरण देते हैं महाखल, वो खाल नहीं बहुत बड़ा दुष्ट था, पिताजी को इतने कष्ट दिया, सोचा लगता है पुत्र रूप में पूर्व जन्म का कोई शत्रु आ गया है, हैं? इतने उसने कष्ट दी, उसकी वजह से पिता घर से निकल गया, मैया उसी की वजह से कुआ में आत्महत्या की, छह बेस्या को बुलाया, भैया हमारे पास में छह बेस्या है, वो क्या है, बोले चक्षु कर्ण नासिका दिवा तोता, ये जो चीज है ना, ये भी एक एक बेस्या है, कान दूसरे एक तरफ में छोड़ता है, आग दूसरे तरफ में खेचता है, जीवा दूसरे तरफ में, त्वचा दूसरे तरफ में, ये भी सब कैसे क्या कर रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति को छोड़ करके अगर और कोई काम करना कहते तो वैसे आए, क्योंकि हमारे असली स्वामी कौन है, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान ही हमारी पिता पुत्र भाई बंधु भगवान है, कहते इनकी हैं, अगर प्रभु को छोड़ करके जब और किसको प्रति हमारी इंद्रिया जाए ना, फिर तो ये क्या है, ये सब के सब वैश्या है, हमें भी पांच छह तरफ में हमें वो खेच रही है छह तरफ से, और लास्ट में क्या किया, उसको जला करके गड्ढे खोद करके गार कर भाग गए, वो प्रेत बन गया। हमें भी ये छह वैश्या क्या करती है, हमारी काम क्रोध लोभ, हम भी संसार की माया ममता मोह में गार करके अभी भाग जाती है। लेकिन जो प्रेत बन गया, जब उसको गया में पिंड दिए, बोले एक बार क्यों, मेरे नाम पर सौ बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, इतने बड़े पापी कौन है धुंधुकारी। लेकिन ऐसे व्यक्ति की उद्धार कैसे हुआ, बोले भागवत कथा से। इसका मतलब है बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल आओ कथा में बैठ जाओ, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कहते ये कथा सुनते सुनते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुश्रुषुभी, सुश्रुषु भी मतलब क्या, कथा कौन सुन सकते, जो पुण्यात्मा, बोले पुण्यात्मा नहीं हम तो दुरात्मा, बोले कोई बात नहीं कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओ, अपने आप कथा सुनते सुनते तुम पुण्यात्मा अपने आप बन जाओगे। इसलिए कथा कौन सुन सकता है, पापी से पापी। अगर कोई बोले हम क्या कम जानता हूं, अरे सुनी सुनाई एक ही बात कब से सुन रहे, एक ही भागवत कथा कब से हम सुन सुनाई, ये सुनी सुनाई कथा गांव कितने बार सुने। अगर कोई बोले दिन में कितना रोटी खाते हो,
अगर एक टाइम अगर रोटी नहीं मिले ना, हाई रोटी, दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखा। अगर रोटी में इतने रस हो सकता है, फिर भगवान की कथा में कितने रस नहीं होगा। इसलिए आप बताओ, हनुमान जी से कोई बड़े कोई ज्ञानी जगत में हो सकता है? बताओ, कोई हो सकता है? कभी जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर करोड़ों जगह पर प्रभु राम की कथा होना, हनुमान जी करोड़ रूप को धारण करते हैं और कथा से पहले जाते हैं और गदगद होकर कथा को सुनते हैं, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए कथा सुनते हैं। और जो कथा जो विश्राम हो जाए, हनुमान जी क्या करते हैं? कथा सुनने वाले, कथा बोलने वाले, कथा स्थलियों को प्रणाम करते हुए वहां के धूल को लगा करके क्या करते हैं हनुमान जी? लास्ट में तभी हनुमान जी जाते हैं। इसलिए कहते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी श्री हनुमत लाल जी है। बोले श्री हनुमत लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। बोले इतने बड़े ज्ञानी ये क्या करते हैं? कहते भगवान की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए सबसे पहले हनुमान जी कथा में पहुंचते हैं। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, विद्वान से विद्वान क्यों नहीं हो, पंडित से पंडित क्यों नहीं हो, कथा सुननी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कोई नहीं होगा। लेकिन भागवत कथा में इतने रस है, जब श्री सुखदेव गोस्वामी के कानों में केवल एक श्लोक पड़ गया, भागवत का एक श्लोक पड़ गया कानों में, पहले ही अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि में ही ब्रह्म मैं तू वही हो, उसमें डूबे हुए थे। लेकिन एक श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए, निकल करके आ गए। बोले भैया कहां से ये श्लोक मिला? बोले हमारे गुरुजी बोले कोई एक तोता मेरे उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके लाओ। हमने कहा भैया तोते का कुछ लक्षण बताओ, जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं। बोले ये श्लोक को सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए वही मेरे तोता है। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मेरे को ले चलो। बोले देखो भागवत में तुम तो एक श्लोक सुने हो, पता ही वहां पर ऐसे कितने श्लोक? बोले 18,000। कितना? 18,000। उसमें 18,000 श्लोक। बोले 18,000 ऐसे श्लोक? बोले और क्या, वहां तो प्रेम की भंडार है वहां पर। फिर तो सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, भैया ऐसे कृष्ण को छोड़ करके फिर हम किसको भजन करें? भागते भागते आए कथा को सुने। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं और पंडित से भी पंडित और पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सुना अधाई, राम कथा जय सुना अधाई, कृष्ण कथा जय सुना अधाई, कृष्ण कथा जय सुना अधाई, अगर कोई बोले अरे ये कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, वो कहते हैं इसका मतलब है वो कथा में क्या रस है उसको पता ही नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी जैसे विद्वान, रूप गोस्वामी कौन है? कृष्ण लीला में रूप मंजरी, राधा रानी की सहचरी है। वो क्या कहते हैं? बोले तुंडे तांडव निवित वित नुते तुंडा बलि लब्ध कर्ण क्रणो कड़ विनिघटयते। वो कहते हैं
कृष्ण नाम में भगवान कितने रस रख लिया कृष्ण दो अक्षर में, जो कानों में प्रवेश करता है मान रस की धारा बरस रही है। जब जीवा पर उदय होता है बोले भगवान एक ही जीवा क्यों दिए, उसमें करोड़ों करोड़ जीवा क्यों नहीं दे दिए हैं? इतने रस भगवान के नाम में इतने रस है, इसलिए कहते भगवान की कथा जितने सुनो लगता है जैसे कभी कथा सुनी नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुण कैसे हैं? वो कहते प्रतिपदम, हर पद पद में एक नई रस आता है। जैसे इसी जगत में देखना बढ़िया सिनेमा आ जाए, एक बार देखा तो बोले क्या बढ़िया सिनेमा, दो बार लेके हाँ ठीक, तीसरा बार हाँ ठीक ठाक, चौथा बार ठीक है, लेकिन पंचवा बार बैठ सकते हो वहां पर, छठवा बार बैठ सकते हो, खोपड़ी खराब हो जाएगा बैठने में। लेकिन आप देखो रोज रोज कोई घर में ठाकुर का आरती करते हो, ठाकुर का नाम लेते हो, कोई हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, कोई है कहते रामायण, कोई भागवत पढ़ते होंगे, कोई पुरानी लगती है भगवान की कथा, कभी पुरानी लगती है भगवान की कथा, कभी नहीं लगती है। ठाकुर को भी देखो, सवेर देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो, आरती में देखो, जब देखो ठाकुर नहीं लगते कि नहीं लगते कि नहीं ठाकुर जी। इसलिए सिर्फ राधा रानी एक समय कृष्ण राधा रानी से मिले कुंज में, अब मिल करके अभी कृष्ण कुंज से जा रहे हैं, इतने में राधा रानी ललिता से कह रही, बोले ललिता ये कौन है? बोले कौन है, अभी तो तेरे साथ में मिल करके, बोले मैं तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं इसको, जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, इसलिए कहते ये प्रेम का एक लक्षण है, जितने देखो ठाकुर को, जितना बाहर देखो लगता है ठाकुर जी नए नए, जैसे ठाकुर कभी हमने देखा ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा जितने सुनो, ठाकुर की कथा उतना ठाकुर जी कथा में नई लगती है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी। बोले भैया कथा सुननी चाहिए तो कहां से? बोले कथा कहते ये कान देखो कि दोना है ना, दोने से क्या करते हैं हम पीते हैं, कोई जूस होता है पीते हैं, भगवान ये कान को भी एक दोना जैसे बनाए। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया ये कान रूपी दोने सबको मत दिया करो, जिनको संबंध ज्ञान नहीं है। संबंध ज्ञान मतलब ठाकुर जी कौन है, उनकी माया कौन है, शक्ति कौन है, वो कौन है, जिसको कहते ठाकुर के प्रति संबंध ज्ञान नहीं है कि भैया वहां पर कथा मत सुना करो, नहीं तो भ्रमित हो जाओ, वहां से भ्रमित हो जाओगे। उदाहरण दिया जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, वहां पर विष निकला, लेकिन ठाकुर जी अमृत किसको, विष किसको दिए? बोले अमृत तो उन्होंने भक्तों को दे दिया, और विष कौन पिए? दैत्य लोग ने विष पिए। इसलिए कभी ये भागवत भी एक समुद्र है, लेकिन इससे अमृत भी निकलता, उसमें विष भी निकलता है। अगर हम वैष्णव की अनुगत्य में, इसलिए कहते जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करे वैष्णव चरणे, चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर सचमुच से भक्ति रस को पाना चाहते हो कथा को वैष्णव से सुनो। वैष्णव मतलब क्या? जो विष्णु दीक्षा में दीक्षित तो होकर के भगवान की एक निष्ठ जो भक्ति करते उनसे कथा सुनो। नहीं तो कहते हैं जैसे दूध है, दूध पान करते क्या होता है? तुष्टि पुष्टि खुदा निवृत्ति। अगर उसी दूध में अगर सांप अगर मुंह मार दे तो वो देखने के लिए लगता तो क्या दूध है, लेकिन इसको पियोगे ना मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं जहां तहां कथा नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए वैष्णव से कथा सुननी चाहिए, जिनकी कथा सुनने से ठाकुर का प्रति हमारी प्रेम और भक्ति और भाव हमें बढ़नी चाहिए। इसलिए वैष्णव से ही कथा सुनो। हैं कहते भैया भागवत का विषय वस्तु क्या है, भागवत में वर्णन का विषय क्या है? बोले भागवत में कोई साधारण कोई बात नहीं, भागवत में बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तन। बोले श्रीमद् भागवत में हम अभी सुनेंगे, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है हमें, कृपा करे कि हमें कृष्ण कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? कृष्ण कथा सुनाओ। हैं इसलिए कहते भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की मधुर मधुर, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। आराध्य भगवान ब्रज सस्तन, देखो
कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, कितने हैं? आपको पता होगा कृष्ण तो एक ही है, कहते महाराज कह रहे कृष्ण तीन है। हाँ, कहते ये भाव में तीन, तत्व कृष्ण एक ही है, लेकिन जो वो द्वारका में रहते हैं ना, सब इन्हीं को द्वारकाधीश रूप में पूजा करते हैं, सबके सब ठाकुर जी सिंहासन में बैठे हुए रहते हैं, ये सबके सब ठाकुर को आकर प्रणाम करते हैं, कहाँ पर? द्वारका में। इसलिए वहां पर कृष्ण पूर्ण है, लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में चले जाए ना, कहते वहां पर जो भक्ति सामंजस्य भक्ति, सामंजस्य भक्ति मतलब होता है वहां पर आधा कृष्ण को तो भगवान मानते हैं और आधा कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं, क्योंकि कृष्ण वहां पर शादी की है, पत्नी है, उनको बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए वहां पर तो प्रेम है। पिताजी को तो पिता मानेंगे ना, पति को तो पति मानेंगे, पति को तो पति मानते हैं ना, पति एक बोल देखना पत्नी दो सुना देती है, सुना देती कि नहीं, क्योंकि पत्नी है ना, इसलिए वहां पर तो भगवान को भगवान मानते हैं, लेकिन वहां आधा ऐश्वर्य, जैसे बच्चा क्या करता है, जाकर पिताजी गोद में बैठ जाएगा, छोटा बच्चा बाल नोचेगा, कंधे पर चढ़ जाता है, बच्चा करता है नहीं, यद्यपि वो भगवान है, वो आधा तो उनको भगवान मानते हैं और आधा इनकी अपना प्रियतम और प्रिय मानते हैं। लेकिन यही कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं, कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। सखा लोग कहते तू किस चीज के बड़े, बोल। श्रीदाम कहते तेरे पिताजी का कितना गया, बोलो। बोले 9 लाख। जान तो मेरे पिताजी 11 लाख गया है, और तेरे को कभी कुश्ती करते करते तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ। कभी कृष्ण ने सुदामा के साथ में लड़ाई किया तो कृष्ण को एकदम पछाड़ दिए, तो कृष्ण चीत पड़े हुए, और श्रीदाम उसको ऊपर में, जब उसको ऊपर में, इतने में सबके सब बोले भैया कन्हैया हार गया, सबके सब ताली बजाए, कौन? श्रीदाम के दोस्त लोग ताली बजाए जोर से। इतने में कृष्ण बोले भैया क्यों ताली बजा रहे हो? बोले तू हार गया ना। बोले हार गया कैसे, किसका नाक नीचे देखो? कृष्ण ऐसे चित पड़े हुए ना, उनका नाक कृष्ण का ऊपर है, श्रीदाम का नाक नीचे है। बोले जिसका नाक, हम कहते ना नाक नीचा कर दूंगा। बोले नाक इसका नीचे, बोलो। बोले श्रीदाम का नाक नीचे, मेरे नाक ऊपर, इसलिए मैंने जीत गया। ताली बजाओ जोर से। इसलिए कभी राधा जी का साथ में भी कृष्ण की कुश्ती हुई, एक कसरत स्थान है ब्रज में, हम जब परिक्रमा में जाते, कसरत उसका नाम, राधा रानी एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे। इतने में ललिता विशाखा सखियां आई, बोले क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले हम कुश्ती लड़ रहे हैं। सखा बोले कुश्ती, ये किसी बहुत बड़े व्यक्तियों का कुश्ती होता है, तुम लोग गैया चराते हो, तुम लोग क्या कुश्ती जानते हो, गैया चराने वाले? सखाओं ने बोले ऐसे क्या बड़ी बड़ी बात करते हो, हाँ बड़ी बड़ी बात करते, हमारे जो कृष्ण ना हमारा लीडर है, वो सबको परास्त कर देती है। सखियां बोले हमारे लीडर श्री राधा रानी, दोनों में कुश्ती हो जाए। उस स्थान का नाम कसरत है, जोर से ताली हो जाए। कृष्ण बोले भैया ताली क्यों बजा रहे हो? बोले हमारी सखी ने तुमको पछाड़ दिया ना। बोले कैसे पछाड़ दिया, किसका नाक ऊपर देखो? राधा रानी का नाक और मेरा नाक ऊपर, में राधा रानी का नाक नीचे है। इतने में कृष्ण के जितने सखा लोग थे वो भी जोर से ताली बजाए। कृष्ण की सखा, हम कृष्ण की सखा नहीं है, हम तो राधा रानी की दासी है। बोले श्री राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भागवत में, कहते कौन सा कृष्ण की महिमा है? बोले वहां पर श्री ब्रज तनय, श्री वृंदावन जो बिहारी है, कहते इनकी महिमा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। कहते भैया उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, इनकी भक्ति? बोले ब्रज वधु वर्गेण जा कल्पिता। यद्यपि उनकी भक्ति सभी ने किया है, सखाओं ने भी की, उनकी माता ने भी की, और गोपियों ने भी की है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो हमारी आराध्या देवी कौन है? बोले ये ब्रज गोपियों ने जैसे उनकी भक्ति की, कहते ये कृष्ण की कथा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इसलिए प्रमाण दिया, जैसे उद्धव जैसे व्यक्ति, हाँ जब उन्होंने उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए, और जब राधा रानी की गोपियों की ब्रजवासियों की प्रेम को देखे, कितना उद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाय डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए भागवत में ये गोपियों की आराधना की बात श्रीमद् भागवत ग्रंथ में बताई। बोले भैया भागवत में कहते भैया जो हमारी प्राप्त क्या चीज होनी चाहिए, जीवन का हमारी लक्ष्य क्या है,
बोले भागवत में दिखाया जीवन का जो लक्ष्य है ये भगवत प्रेम। भगवान हमारी लक्ष्य नहीं है, ठाकुर जी हमारे लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? भगवान की प्रेम की लक्ष्य। बोले इसका मतलब क्या है, समझ गए कि नहीं? कहते भगवत प्रेम ही हमारे लक्ष्य, कृष्ण हमारे लक्ष्य नहीं। क्योंकि कृष्ण को कंस भी तो देखा कि नहीं? कृष्ण को चारणों मुष्टि को भी तो देखा, कृष्ण को बकासुर ने भी देखा, अघासुर ने भी देखा, पुतना भी देखा, देखे कि नहीं सबके सब कृष्ण? लेकिन उनको कोई चित्त परिवर्तन हुआ? भगवान से लड़ाई मिली, भगवान से लड़ाई किया, चारणों मुष्टि को तो छाती में छाती, बाहु में बाहु, भगवान की इतने नजदीक संग मिला, ऐसे युद्ध कर रहे थे। लेकिन ये भावना किया था, बोले मऊ का पाए तो उसको कृष्ण को पछाड़ दे, हृदय में ये भावना है। लेकिन इनको भी कृष्ण मिले, रावण भी राम देखा, देखा कि नहीं? रावण ने राम को देखा कि नहीं? और मेघनाथ ने राम को देखा कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया, लक्ष्मण को पर शक्तिशैल की प्रहार की और राम लक्ष्मण को नागफास बांधन में बांध दिए। तो इनके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ठाकुर को देखे। हाँ, कहता अगर हृदय में प्रेम नहीं होना, अगर ठाकुर दर्शन भी कर दे हमारे कोई कल्याण होने वाले नहीं। अगर हृदय में तुम्हारी प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, फिर तो ठाकुर को पास में तुम्हें जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर तुम्हारे पास में आएंगे। इसलिए ध्रुवज ने जब तपस्या की, जैसे वैकुंठ से ठाकुर जी सद्धज करके आ रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति के मेला देखने के लिए जाए ना, हैं? ऐसे ठाकुर जी बड़े सुंदर सद्धज रहे थे। इतने में द्वारका वासियों ने पूछा, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? भगवान कह रहे हैं ध्रुवज जी को दर्शन करने जा रहा हूं, ध्रुवज को दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने के लिए नहीं। क्यों? उसके हृदय में भक्ति। अगर हृदय में भक्ति होना, फिर हमें भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे। इसलिए गोपियां कभी कृष्ण को पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में आते थे ना, मखन चोरी करके खाते थे, तो कृष्ण जाते थे ना, गोपियां जाती थी, कृष्ण घर में आते थे। क्यों? इनके हृदय में प्रेम है। इसलिए भागवत शिक्षा देता है, हमारी जो लक्ष्य है ना, हमारे लक्ष्य भगवान नहीं, हमारे लक्ष्य प्रेम है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, दास करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु कहते हैं बगैर प्रेम के ये जीवन सुना जीवन है। इसलिए मेरे को दास बना करके मेरे झोली में ठाकुर जी अपना प्रेम को हमें प्रदान करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते भागवत की महिमा दो ग्रंथ में आती है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। इसलिए स्कंद पुराण में भी भगवान की कथा की महिमा है। बोले जब भगवान कृष्ण चले गए, उसी समय में समस्त हैं, कहते कृष्ण विरह में समस्त जितने कृष्ण की महिषियां सब दुखी दुखी कृष्ण चले गए। लेकिन ये देखा है जो कालिंदी, ये बड़ी कलकल कलकल नाद से बह रही है। महिषियों ने पूछा, भैया कृष्ण चले गए, कृष्ण विरह में सबके सब हम दुखी, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं तो खुश हो? बोले देखो, मैं राधा जी की शरण लिया है, इसलिए मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है। इसलिए भगवान की लीला दो तरह से, कितने तरह से, क्या क्या है बोलो, सब भूल गए हो? कहते इनके एक व्यवहारिक लीला और एक इनकी वास्तविक लीला है। साधारण रूप में कृष्ण चले गए, साधारण रूप में राम चले गए, लेकिन जो वास्तव रूप में क्या भगवान गए, क्या ठाकुर जी वास्तव रूप में क्या गए? भले गए नहीं। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि। इसलिए मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं वृंदावन से बाहर में कभी नहीं जाता हूं। इसलिए हमारी गोस्वामी लोग जब उन्हें कृष्ण भजन की, उनको दर्शन मिला है। राधा रानी स्वयं श्री रूप गोस्वामी के लिए स्वयं खीर बना करके जाते हैं, हाँ स्वयं खीर बना करके जाते हैं। इसलिए जब श्री श्यामानंद प्रभु आए वृंदावन में, स्वयं राधा रानी की चरण की नुपुर उनको मिला है, ठाकुर जी की
नुपुर उनको मिली है। इसलिए सनातन गोस्वामी जो भजन करते थे स्वयं कृष्ण दूध की सपड़े में दूध ला करके उनको पिलाया करते थे। हैं? जब श्री सनातन गोस्वामी गोवर्धन में जाते थे और चौबीनी घर में वो रोज देखते थे ठाकुर जी, उसको दोस्तों के साथ में रोज गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा ठाकुर जी को। जब परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, परिक्रमा करते करते जो बेहोश होकर गिर गए, कृष्ण बलराम स्वयं प्रकट हुए वहां पर और ठाकुर जी उनकी सर के ऊपर में छाया करते। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में भजन करते थे, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के अपना चुंदरी से उनको सर के ऊपर ऐसे खड़े रहते थे छाया करके जब भजन करते थे। जब माधवेंद्रपुरी गिरिराज गोवर्धन में भजन कर रहे थे, उनका वृत्ति था अजाचक वृत्ति, कभी भी इससे कुछ मांगते नहीं, राधा रानी स्वयं कृष्ण स्वयं दूध लेकर के आगे बोले बाबा दूध पी लो तुम भूखे हो। बोले तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा हूँ? बोले हमारे गांव के कुछ माताएं कुएं में पानी भरने आए थे और देखा तुम यहाँ बैठी करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आपको देखा ही आप भजन कर रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ में दूध भेज दिया बाबा लो दूध पी लो, मैं अभी गैया चराने जा रहा हूँ, जब मैं वापस जाऊंगा दूध पात्र यही रख लेना मैं फिर ले जाऊंगा। जब उन्हें दूध पिए, जीवन में तो बहुत दूध पिए हैं, लेकिन कृष्ण अगर कोई दूध लेकर के आए समझो उसमें कितने मिठास नहीं होगा। जब दूध पिए ना इतने मीठा लग रहा था, कितने स्वाद लग रहा था, बोले जिंदगी में कभी ऐसे दूध पिया ही नहीं। जब उन्होंने दूध को पी करके वहीं पर रख दिए हैं, इतने में कृष्ण स्वयं स्वप्न में आए, झपकी लगते ठाकुर जी आए, बोले बाबा बाबा ये गांव का मैं देवता हूँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, उनका हाथ पकड़ करके ले गए, देखो मेरे को श्री माधवेंद्रपुरी ने मेरे को है कहते मेरे को श्री बज्रनाभ ने यहाँ पर प्रकट किया था, लेकिन मुसलमान के आक्रमण से मेरे को ये जंगल में छोड़ करके चले गए, अभी मैं ये जंगल में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। ठाकुर स्वयं स्वप्न देख रहे उनको निकलते। इसलिए ठाकुर जी अभी भी अगर कोई वृंदावन में सही सही भजन करते हैं ना, अभी भी ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं। हमारे गुरु जी कौन? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज स्वयं राधा रानी आकर के कहते स्वयं राधा रानी आकर के उन्होंने पुजारी को स्वप्न दिया, बोले जो नारायण महाराज हैं मेरी सखी है, ये नारायण गोस्वामी महाराज मेरी मंजरी है, तुम सवेरे लेकर के मेरी प्रसाद और प्रसाद फूल माला तुम दे करके आना। बोले राधा रानी ने भेजा, वो पुजारी स्वयं आते हैं हमारे गुरु जी के पास में, बोले रात को राधा रानी मेरे को स्वप्न दिए कि नारायण गोस्वामी महाराज मंजरी मेरी सखी है, ये प्रसाद देकर आओ। राधा रानी गुरु जी सुनते ही ना रोने लग गए, गुरु जी रोने लग गए, देखो राधा रानी मेरे लिए प्रसाद भेजा है। इसलिए अभी भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं, लेकिन किसको दर्शन देते हैं, किसको दर्शन देते हैं? बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसो विलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अगर आंखों में प्रेम रूपी अगर हमने अंजन लगा ले, लेकिन हमारी आंखों में कौन सा अंजन है? काम क्रोध लोभ मोह की अंजन लगा हुआ, लेकिन जब इसको छोड़ कर हम प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे, अभी भी वृंदावन में ठाकुर का दर्शन अभी भी होगा, अभी भी होगा, अभी भी भक्त लोग ठाकुर जी को ऐसे जो भक्ति करते हैं अभी भी ठाकुर जी को दर्शन करते हैं वृंदावन में, हैं वृंदावन में अभी भी ठाकुर जी दर्शन करते हैं।
बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमारे श्री श्यामानंद प्रभु को क्या मिला, राधारानी की चरण की नुपुर मिली, और अपना हाथों से उन्होंने किशोर जी के चरण में उन्होंने नुपुर भी उन्होंने पहनाया है। इसलिए बोले कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, लेकिन किसकी कृपा से ये अनुभूति होगी, बोले जब श्री किशोर जी की किसको पर कृपा हो, राधा रानी की किसको पर कृपा होना, तभी जाकर के उनकी ठाकुर जी की कृपा मिल सकती है। इसलिए वृंदावन जाओ तो इसलिए कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जोर से बोलो और जोर से, क्योंकि जब राधा रानी की कृपा होना तब श्री कृष्ण तभी मिलते हैं। इसलिए वृंदावन में सबके सब जाकर क्या करते हैं, श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले जो व्यक्ति राधा जी की शरण में जाएगा उसको ही कृष्ण मिलेंगे। सब महिषियां बोली भाई हम भी राधा रानी की शरण में जाएंगे, हम भी राधा जी की शरण में जाएंगे, हमें भी कृष्ण कृपा हो। बोले ये बात कौन बताएगा, बोले ये उद्धव जी बताएंगे, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ही उन्होंने वृंदावन में भेजा था। उद्धव ने जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दिया, बोले भैया अभी उद्धव मिलेंगे कहां, बोले अभी भी उद्धव है। बोले कहां पर है, बोले एक साथ में उन्होंने दो रूप धारण किया, उन्होंने एक साथ में दो रूप धारण किया, एक रूप में तो बद्रीनाथ गए, अभी भी बद्रीनाथ जाओ उद्धव को दर्शन मिलेगा, और दूसरे स्वरूप में गिरिराज तलहट में जहां पर उद्धव कुंड है, अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बन करके अभी भी भजन कर रहे हैं। बोले चलो हम सब के सब चलते हैं कहां पर, श्री गिरिराज की तलहट में, समस्त महिषियां और श्री बज्रनाभ जी परीक्षित महाराज और सब लोग सबके सब कहां पर आए, सबके सब श्री गिरिराज तलहटी में आए, और वहीं पर उन लोग ने बड़े सुंदर ठाकुर का कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जब सबके सब मिलकर कीर्तन की कीर्तन का प्रभाव से वहां पर स्वयं उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे, तब उद्धव जी वहां पर प्रकट हुए। तब उद्धव को महिषुर ने पूछा, हे उद्धव कृष्ण तो तेरे को वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी, तुम हमें भी सांत्वना प्रदान करो, बताओ अभी कृष्ण हमें मिलेंगे कहां। देखो उद्धव जी क्या कहते हैं, ये भागवत कथा की महिमा सुनो, ये भागवत कथा से क्या मिलता है, ये स्कंद पुराने भी कथा सुनाई गई। उद्धव जी स्वयं कहते हैं जब कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे मैं भी वहीं पर था, मैं भी वहीं पर था, मैत्र ऋषि भी वहीं पर थे, इसलिए हम भी वहीं पर थे, हम भी कृष्ण को एक ही प्रश्न की है, कृष्ण तुम भी तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी हम किसके आश्रय लेकर के भजन करें। कृष्ण मुझे स्वयं बताए, हे उद्धव जी मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रह रहा हूँ। बोले प्रभु कलियुग में आप किस स्वरूप में रहोगे, बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। इसलिए बोले भगवान इसी जगत में आठ रूप में विद्यमान है, कितने रूप में, क्या क्या बोलो, एक एक बोलो के कौन बोलेगा, तुलसा जी नहीं, तुलसा जी नहीं, और बोलो गंगा जी नहीं, यमुना जी, हाँ भगवान की आठ स्वरूप है। देखो भगवान की आठ स्वरूप में जगत में है,
कहते भगवान किसी में अधिष्ठित रहे, कहते आठ स्वरूप में, जैसे देखो ठाकुर जी जो लकड़ी ठाकुर जो लकड़ी रूप में, लकड़ी रूप में ना, विग्रह रूप में, लकड़ी स्वरूप में। दूसरे उसको नीचे देखो, कृष्ण को देखो कैसे अष्टधातु रूप में, अष्ट कितना हो गया, दो हो गया। तीसरे देखोगे कभी मिट्टी से ठाकुर जी को बनाते हैं, देखे कि नहीं, कभी रेतियों से ठाकुर को बनाते हैं, और कभी चित्रपट रूप में ठाकुर जी, कभी चित्रपट रूप में ठाकुर जी है, कभी ठाकुर जी मनमयी, जैसे हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर को याद करते हैं ना। और एक है ये जो श्रीमद् भागवत, कहते ये आठ रूप में ठाकुर जी जगत में विद्यमान है। भगवान कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कहते ये किस रूप में, बोले वाणी रूप में, ये शब्द ब्रह्म रूप में, जैसे कृष्ण ये क्या अक्षर रूप में, ठाकुर जी कृष्ण, जब कृष्ण नाम लिया है वो भी स्वयं श्री कृष्ण, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए कहते ये भागवत ग्रंथ रूप में कृष्ण अपना प्रकाश रख कर गए। कृष्ण स्वयं कहते हैं ये कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, कहते ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रूप में मेरे साथ में मिल रहे हैं। ठाकुर जी को साक्षात रूप में हम मिल रहे हैं। जब उन्होंने ये बात बताए, इतने में महेश्वर ने बताया उद्धव जी फिर तो आप हम कथा सुना, हम भी कृष्ण से मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, हम लोग तो सात दिन कथा सुनेंगे, लेकिन ये भागवत कथा सर्वप्रथम ये गिरिराज की तलहटी में जहाँ पर कुसुम सरोवर उद्धव कुंड, वहीं पर उद्धव जी सर्वप्रथम कथा उन्होंने ये महेश्वरों को सुनाए। जब महेश्वरों को सुनाए उसी समय स्वयं कृष्ण राधा रानी और समस्त परिकरों को साथ में उद्धव कुंड में ठाकुर जी साक्षात रूप में प्रकट हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, बोले जय जय श्री, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब महेश्वर ने कृष्ण को साथ में मिले, मिल करके उनको जीवन में तृप्ति मिला। देखो इसका तात्पर्य यह है, आप लोग भी देख लीजिएगा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं ना हमें भी बड़े शांति मिलती है। शांति मिलती कि नहीं, हम कृष्ण कथा सुन लिया मतलब है, भागवत कथा सुना मतलब है, हमको कृष्ण दर्शन हो गया, हमें कृष्ण दर्शन हो गया, कृष्ण प्राप्ति हमें हो गया। कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी भागवतम लभ्यम, तभी जीवन में ये भागवत कथा सुनने का हमें मौका प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, भजन सुन लो बरसाने की बोरी, होकर के इशारों बुलाई गई रे बरसाने की बोरी, इशारों बुलाई गई रे बरसाने की बोरी, होकर के इशारों बुलाई गई रे बरसाने की बोरी, होकर के इशारों बुलाई गई रे बरसाने की बोरी, तो ऐसा लगे काव को ना बुलाया, बड़ौद वासियों को तो किसी को नहीं बुलाया है, जिनको इशारा मिलता वो तो खड़े हो जाते अपने आप, आपको राधा रानी का इशारा निकला ब्रज में आने का, जिन जिनको मिला है वो खड़े हो जाएंगे, करके इशारों बुलाई गई।
अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री व्यास देव जी जब ये भागवत कथा का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर विशेष करके मंगलाचरण करते समय उन्होंने तीन श्लोकों का निरूपण किया है। मंगलाचरण ये ग्रंथ के प्रारंभ में ही मंगलाचरण करने का विधान है। मंगलाचरण अर्थात कुछ भी कार्य करने से पहले यदि इष्ट देव का स्मरण किया जाए तब जाकर उसको वह कार्य पूरा मंगलमय होता है। इसलिए जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण का व्यास देव जी ने वर्णन किया कहते हैं जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम्
सत्यम परम धीमहि। ये जो पहला श्लोक वर्णन किया है इसके अंदर केवल मात्र गुण गुण वर्णन किए, इसके अंदर विशेष शब्द किसी का नाम नहीं लिया। कहते हैं मैं उनका ध्यान करता हूं, धीमहि शब्द से बतला रहे हैं कि मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करता हूं किसका, विशेषता कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि जो साक्षात सत्य स्वरूप है, जब इसके अंदर किसी नाम का वर्णन नहीं किया तो उस समय पर अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर टीका करते हुए अपने अपने इष्ट देव को इस श्लोक को लक्षित किया है। लेकिन श्री वल्लभाचार्य उन्होंने जब इस श्लोक की टीका करी तो विशेष करके कहते हैं कि भैया वो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है कौन, कहते हैं वो कृष्ण चंद्र ही वो सत्य स्वरूप है। जो लोग देवी उपासक हैं वो कहते हैं कि देवी, ये श्लोक देवी को लक्ष्य करता है। जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये श्लोक शंकर जी को लक्ष्य करता है। लेकिन कहते हैं वल्लभाचार्य जी की सत्यम परम धीमहि ये केवल मात्र श्री कृष्ण चंद्र ही है, क्योंकि जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए थे कारागार के अंदर, उसी समय पर 33 करोड़ देवी देवता वहां पर उपस्थित होकर जब उन्होंने ठाकुर जी की गर्भ जब उन्होंने श्री देवकी जी की गर्भ स्तुति करी तो उस समय पर देवता लोग कहते हैं सत्यव्रतम परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि निहितम च सत्य 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 करते हुए उन्होंने देवकी के गर्भ की स्तुति करी कि हे प्रभु आप सत्य संकल्प है, आपका धाम सत्य है, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, आपने जो व्रत धारण किया था, आपने जो हमें सांत्वना दी थी कि तुम जाकर सभी यादव कुल में जन्म लो और मैं शीघ्र ही आकर सभी उस असुरों का नाश करूंगा, कंस का भी मैं विनाश करूंगा, तो ये सत्य संकल्प को मानो ये उनकी सत्य प्रतिज्ञा को स्मरण करवाने के लिए देवता लोग आकर वहां पर इस प्रकार सत्य सत्य कहते हुए स्तुति कर रहे थे। आज वल्लभाचार्य ने भी जब इसकी टीका लिखी है तो उसके अंदर वो यही चीज वर्णन करते हैं कि सत्यम परम धीमहि कौन है, ये सत्य स्वरूप साक्षात कृष्ण है। तो उनकी और क्या विशेषता है, कहते हैं जन्म आदि अस्य, जन्म अर्थात सृष्टि स्थिति और प्रलय। भगवान हम कल श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार भगवान के दाएं अंग से श्री बलदेव प्रभु आते हैं और बलदेव प्रभु से ही आगे महाविष्णु, महाविष्णु से तीन शंकरषण कारणोदशाय गर्भोदशाय शिरोदशाय, उन्हीं से आगे सृष्टि स्थिति का कार्य होता है। जब ये महाविष्णु स्वयं रजोगुण का अंगीकार करते हैं तो उस समय पर वे ब्रह्मा जी, उस समय पर वे ब्रह्मा जी होते हैं और वह सृष्टि कार्य करते हैं। जब महाविष्णु सत्वगुण को अंगीकार करते हैं तो उस समय पर वो पालन करते हैं, जो सृष्टि हुई है उसके पालन करते हैं। लेकिन तमोगुण को अंगीकार करके वही महाविष्णु शंकर के रूप में, रुद्र के रूप में प्रलयकारी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जन्मादस्य यत, अर्थात जिनसे जन्म आदि, जन्म आदि क्या, जन्म अर्थात सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये तीनों कार्य होते हैं। जन्मादस्य यत अन्वयात इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अर्थात उनको भगवान को समझ पाना इतना सहज नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी माया के द्वारा मुह्यन्ति यत सूर्य। उदाहरण लेकर बतलाते हैं, जैसे रेगिस्तान के अंदर दूर में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो रेगिस्तान के अंदर दूर से देखने से लगता है जैसे जल हो, और हिरण के जहां पर कोई व्यक्ति अगर जा रहा हो तो देखकर उसके ओर धावित होता है, भागते भागते जैसे उस स्थान पर पहुंचता है देखता है जल नहीं है। तो जिस प्रकार रेगिस्तान में जल की प्रतीति होती है उसी प्रकार भगवान भी अपनी माया से सभी को मोहित करके रखते हैं। मोहयंति यत सूर्य, अर्थात छोटे मोटे प्राणियों की तो बात ही छोड़ दो, हम आगे श्रवण करेंगे साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वे भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो गए। अन्य देवी देवताओं की तो बात ही क्या, भगवान के अभिन्न कायावयव स्वरूप साक्षात श्री बलदेव प्रभु वे भी मोहित हो गए। जब भगवान ने वत्स, जब ब्रह्मा जी ने वत्स हरण किए थे तो उस समय पर स्वयं भगवान ही अपनी काया से उन्होंने बछड़े और सखा इत्यादि उत्पन्न किए, तो बलदेव प्रभु भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए थे। तो इसलिए बतलाया मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो त्रिसर्गम ऋषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सभी को निरस्त करते हुए एकमात्र श्री कृष्ण चंद्र सर्वश्रेष्ठ होकर वहां पर विराजमान है, इसीलिए मैं उन्हीं सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण चंद्र का मैं ध्यान करता हूँ। वल्लभाचार्य ने इस श्लोक की कृष्ण परक व्याख्या करी, किंतु हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वे कहते हैं कि क्या एकमात्र श्री कृष्ण का ही स्मरण किया है, कहते हैं नहीं, कृष्ण नहीं अपितु कृष्ण के साथ साथ श्रीमती राधा रानी का भी स्मरण किया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, राधा भजने यदि मति नाही भेला
कृष्ण भजन तव अकारण केवल माधव पूजय सो अज्ञानी। श्री कृष्णचंद्र की उपासना करने की पद्धति यहाँ पर बतला रहे भक्ति विनोद ठाकुर कि एकमात्र कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण आधा है। जब तक श्रीमती राधा रानी कृष्ण के वाम पाश में ना हो तब तक कृष्ण संपूर्ण रूप में नहीं है। इसलिए जब वो कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, ये परम शब्द किसको लक्ष्य कर रहा है? ये परम शब्द है उनकी पराशक्ति श्रीमती राधा रानी को, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। तो कृष्ण की शक्ति पराशक्ति श्रीमती राधा रानी है, इसलिए जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में विराजमान है उस समय पर उनको उपासना यदि करेंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसके बिना केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कबो नहीं कर बिताकार संग। यदि ऐसे पाखंडी लोग जो केवल मात्र कृष्ण को ही उपास्य तत्व मानते हैं उनका संग भूल कर भी नहीं करना। श्रीमती राधा रानी के साथ जब कृष्ण विराजमान हो तभी वो सर्वश्रेष्ठ उपास्य के रूप में पूजित होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या करी, श्री राधा परक व्याख्या करी श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर में। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने जब इस श्लोक की व्याख्या करी तो कहते हैं भैया केवल मात्र राधा कृष्ण ही नहीं, राधा कृष्ण के साथ में श्री सचिनंदन गौर हरि जो कि राधा कृष्ण की मिलित तनु है। राधा भाव दुधि सबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। स्वयं राधा कृष्ण दोनों मिलकर जब कलयुग के अंदर श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में आए तो वो ही उपास्य देव बन गए, अर्थात श्रीमती राधा रानी और कृष्णचंद्र के साथ साथ में सचिनंदन, जैसे हमारे यहाँ पर गोविंद देव जी राधा गोविंद देव और उनके साथ में श्री श्रीमन महाप्रभु, इनकी उपास्य पद्धति। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि ये जो श्लोक है ये किसे लक्ष्य करता है, कि श्रीमन महाप्रभु को लक्ष्य करता है। इस तरह से श्लोक की व्याख्या करी है। इसके अंदर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपास्य देव का वर्णन किया कि किसे हम पूजा करें, कौन हमारा उपास्य देव है, किसे ध्यान करें। उसके बाद जब दूसरा श्लोक का वर्णन किया, दूसरे मंगलाचरण श्लोक कहते हैं प्रतिज्ञा, ये भागवत हमें क्या प्रदान करेगा, क्या प्रतिज्ञा ये लेता है। तब उस पे कहते हैं कि भागवत ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है कि यदि किसी के हृदय में केवल मात्र इच्छा हो जाए इसको श्रवण करने की, केवल मात्र यदि किसी के हृदय में इच्छा हो जाए, अच्छा नहीं छोड़ो, किसी ने केवल मात्र अनुमोदन भी कर दिया तो क्या होगा, भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमा निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृति भी सुश्रुषुभि तक्षण। कहते हैं सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र। आप लोग अभी सब यहाँ भागवत कथा के अंदर बैठे हैं तो आप यहाँ अपनी इच्छा से बैठे हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप यहाँ पर विराजमान हैं, आप यहाँ पर अवरुद्ध नहीं हैं। लेकिन अगर हमने ये गेट बंद कर दिया यहाँ से और कोई अभी बाहर नहीं जा सकता तो उसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पर अवरुद्ध हो गए हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से नहीं है, आप और बाहर नहीं जा सकते, हमने दरवाजा लगा दिया। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जिसके हृदय में केवल मात्र ये इच्छा हो गई भागवत कथा श्रवण करने की, कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र। भगवान स्वयं हमारे हृदय के कपाट खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, वो गेट द्वार बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र। और ये ग्रंथ कैसा है, कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। कैतव किस लिए बताया, बोले सारी कपटता से पूर्ण रूप में, सारी कपटता इसके अंदर से पूर्ण रूप में हटा दी गई है। बोले कपटता क्या, अर्थात इस संसार के सुख भोग इत्यादि की तो बात करी ही नहीं है। कहते हैं तार मध्य मोक्षवांछा कैतव प्रधान, इस जड़ जगत के भोग, उससे ऊपर इंद्र पद, उससे ऊपर ब्रह्मा जी का पद, ये सारे बात तो छोड़ ही दो, जो मुक्ति का जो सुख है उस मुक्ति को भी, कैवल्यम नरकायते, इतना घृणित वो सुख है उसको भी परित्याग करके, मोक्ष की भी इसमें बात नहीं बतलाई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ की तो बात छोड़ दो, उससे भी श्रेष्ठ जो पंचम पुरुषार्थ भक्ति है, केवल मात्र विशुद्ध भक्ति का ही इस ग्रंथ में निरूपण किया गया है। धर्म प्रोजित कहते हो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम,
और ये कैतव रहित श्रीमद भागवत ग्रंथ किसके लिए है? बोलते हैं जो लोग निर्मत्सर है, जो निर्मत्सर है, जिनके हृदय में किसी प्रकार की ईर्षा द्वेष नहीं है। मत्सरता किसे कहते हैं? कहते हैं किसी सामने वाले का भलाई देखकर, किसी पर पुरुष का अच्छा देखकर जब खुद के हृदय में घृणित भाव आता है या उससे ईर्षा होती है, ये है मत्सरता। इसलिए निर्मत्सर संत यदि कोई होगा तो वो इस ग्रंथ को पूर्ण रूप में आस्वादन कर पाएगा। इस तरह से ये क्या करता है, ये प्रतिज्ञा करता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ कि इसका श्रवण करने से भगवान स्वयं हृदय में आ जाएंगे, और अगर हृदय में आकर अवरुद्ध हो गए तब क्या होगा, हमारे हृदय से सारे काम क्रोध लोभ इत्यादि दूरीभूत हो जाएंगे। भक्ति का हृदय में जब प्रवेश होता है, भक्ति की इतनी सर्वश्रेष्ठता है कि वो हृदय से सारे अनर्थों को दूरीभूत कर देगी और स्वयं भगवान को वहां पर विराजमान कर देगी। अभी जब तीसरा श्लोक उन्होंने वर्णन किया तो हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च आओ गुरु आप छोटा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सभी ताली बजा के बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय खोलो मुख खोलो सारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 तीसरा श्लोक वर्णन करते हैं निगम कल्पतरुक गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूवि भावका। ये तीसरा श्लोक जो है मंगलाचरण श्लोक, इसके अंदर आशीर्वाद देते हैं श्री, ये भागवत ग्रंथ हमें क्या आशीर्वाद देता है उसका निरूपण करते हैं। कहते हैं ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, ये भागवत कथा नहीं है, ये साक्षात कल्प वृक्ष के नीचे आप विराजमान है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, कहते हैं कल्प वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष अर्थात जो जिस वृक्ष के नीचे विराजमान रहकर जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा पूर्ण करने वाला है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ यद्यपि अनागर अनागर स्थानों पर गुरुदेव इसकी कई महिमा बतलाते हैं, लेकिन जड़ जगत की दृष्टि से भी यदि देखें तो ये भागवत ग्रंथ निर्धन को धन प्रदान करता है, जो पुत्रहीन है उनको पुत्र प्रदान करता है, जो अविवाहित है उन्हें का विवाह हो जाता है। यह जड़ जगत की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्री कृष्ण प्रेम भी प्रदान करने के लिए समर्थ है श्री भागवत ग्रंथ। इसीलिए इसका सात दिन अगर कोई सही सही सुने, अब जो मांगोगे ना, हमने बहुत सारी जगह पर देखा जिसके संतान नहीं, 20-25-30-35 साल से कथा सुनते संतान की प्राप्ति, जिनकी बड़ी गरीबी उठा रहे थे कथा सुने तो उनकी गरीबी दूर हो गया, जो बड़ी बड़ी बीमारी ग्रस्त थे सुने तो बीमारी नष्ट हो गया, लेकिन उसको कथा सुनने पड़ेगा ठीक से, ऐसे नहीं कथा को बीच में आए और जो कथा खत्म होने जा रही तभी आ रही, नहीं कथा सुननी चाहिए हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए बोलो जोर से, और बताओ हनुमान जैसे जगत में कोई बड़े हो सकता है? हनुमान से हम क्या बड़े है? नहीं है। हनुमान जब कथा होती है ना, हनुमान सबसे पहले हनुमान सुना दो, हनुमान जी सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, पहले मैं कथा सुनाया ना, बोले एक सिद्ध तुलसीदास जी जब शौच क्रिया में जाते थे लोटे में पानी लेते थे, शौच क्रिया के बाद जड़ में पानी देते थे, और वो नीम वृक्ष में रहता था भूत, अब भूत पवित्र पानी को नहीं पी सकता, अपवित्र पानी पीता है, एक दिन भूत प्रकट हो गया, भूत बोले तुलसीदास जी आप मेरे को रोज पानी पिला दो, मैं बोले मैंने कब पानी पिला है, बोले ये पेड़ में मैं रहता हूँ, मैं प्रेत योनि प्राप्त हुआ ना इसलिए कहीं भी मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, अपवित्र पानी को मैं पीता हूँ, बोले जब लास्ट पानी आप डालते हो शौच क्रिया के बाद में पीता हूँ, बोले मैं खुश हूँ बताओ आज जो कुछ मांगोगे मैं सो दूंगा।
बोले भैया भूत बोलता है जो मांगो सो दे, भक्त लोग तो बड़े चतुर होते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, अभी बता रही थी ना भागवत क्या है, कल्प वृक्ष है, जो मांगो वही देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते ना, वो जड़ चीज को नहीं मांगते, तुच्छ चीज को नहीं मांगते, वो सर्वश्रेष्ठ चीज को मांगते हैं, जो पाने से इसी जीवन का दुख तो जाएगा और जन्म जन्मांतर का भी दुख हमारी खत्म हो जाएगा। भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, वो दो दिन का चीज नहीं मांगते हैं, ये थोड़ी समय के लिए चीज को नहीं मांगते हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा वो बात नहीं सुनता है, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा, वो लड़ाई झगड़ा हो गया है, ये दो दिन बाद में सारे चीज दुख देने वाले वस्तु, कोई भी सुख देने वाले नहीं, भगवत भक्ति प्रेम ही सुख देने वाले। बोले दे सकते हो? बोले हाँ। बोलो बोले मेरे को राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकते हो? बोले भैया अगर मैं तेरे को मैं राम लक्ष्मण दर्शन करा सकता था फिर मैं ये भूत जोड़ी में क्यों पड़ा हुआ, पहले मेरा ही उद्धार हो जाता, लेकिन इसका मैं उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले अमुक स्थान पर जाओ, वहां पर रोज राम कथा होती है, देखना कथा से सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा और कथा को बीचे हाथ जोड़ करके बैठेगा और आंखों के आंसुओं को बहाते बहाते कथा सुनेगा। जब सबके सब चले जाएंगे फिर सबको प्रणाम करते हुए वहां की चरण धूल लगा करके फिर तो वो व्यक्ति वहां से जाएगा, वो हनुमान जी बस उन चरण पकड़ लो काम बन जाएगी, वही दर्शन करा देंगे हैं इतने में। लेकिन देखो पहली तरह पकड़ने के लिए कोशिश करना नहीं, वो वही हनुमान जी ये सचमुच से सीधा हनुमान के चरण में गिर गए। गिर करके हनुमान बोले अरे मैं कुष्ठ देख मेरे शरीर में कूड़, हाँ मैं अपवित्र छोड़ मेरे को छोड़, तुम मेरे को छू लिया अपवित्र हो गया। तुलसीदास जी बोले मैं जानता हूँ आप श्री हनुमान जी, अब हनुमान जी हो मेरे को पता हो हनुमान जी, हनुमान जी तेरे तो फंसे गए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा। बोले देखो चित्रकूट के घाट में भय संतन के दी और तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे, पास उन्हें सचमुच से गए प्रभु राम के दर्शन हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रोता कैसे बननी चाहिए, हनुमान जैसे हैं, इसलिए कथा से पहले आओ तभी कथा का फल तो मिलेगा। आएंगे आधा में चले जाएंगे बीच में हैं, नहीं तो आएंगे लास्ट में, फिर कथा के फल कैसे मिलेगी? अगर चाहते हो हमारी सब इच्छा मिले, सब इच्छा पूरी हो और हम भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्ति हो तो क्या करनी चाहिए? इसलिए स्वर्णकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं किसको, सुत गोस्वामी को, जैसे कहीं कथा हो ना, अगर कोई निमंत्रण दे भैया कथा सुनने के लिए आओ, अगर छोटी मोटी किसकी बिजनेस होगा, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं। लेकिन सुत स्वर्णकादि ऋषि लोग का आश्चर्य की बात है, परीक्षित महाराज एक चक्रवर्ती राजा संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राजत्व कर रहे, कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, छोटे बड़े व्यक्ति नहीं थे, पृथ्वी के ऊपर राजत्व जो करने वाले वो क्या करते थे पृथ्वी के ऊपर में, उन्होंने आकर के सात दिन तक बैठ कर कथा सुनाई। अभी जैसे कथा सुन रहे थे ना, पहले ऐसे नहीं था, सात दिन तक बिना खाए पिए पैसा पायखाना कुछ नहीं, 24 घंटा ऐसे होते होते 18,000 श्लोकों ने खत्म हो गया। लेकिन हम तो 3 घंटा के लिए बीच में और लास्ट में आते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा। पहले तो महाराज इतने बड़े राजत्व क्यों छोड़ करके आए कथा सुनने के लिए, उनको पता था भैया कथा जैसे दुनिया में कुछ चीज है नहीं, कथा में जो लाभ है इससे ज्यादा जगत में लाभ हो ही नहीं सकता, तब तो राजपाट छोड़कर आकर बैठकर कथा सुने। अगर हमें पता चले 7 दिन बाद में खत्म हो जाएगा ना, एक खा पी करके मस्त उड़ा करके जितना उड़ा दो खा पी करके हाँ घूम लो, लेकिन उनको पता है ये चीज साथ में जाने वाले नहीं, बस साथ में जाएगा क्या है भगवान की भक्ति भगवत प्रेम ही साथ में जाने वाला है और भागवत से ही हमारी कल्याण होने वाला, ये चीज उनको पता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके सात दिन तक कथा सुने और सचमुच से जब कथा विश्राम होगी ना, गोलोक वृंदावन से रथ आया है और राधा रानी की एक सखी बन करके इन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए कहां गए, भगवान का धाम गए। जब धाम गए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो बैठे बैठे कथा सुने, लेकिन सीधा कहां चले गए, ठाकुर को धाम में। इसलिए ब्रह्मा जी तराजू लिए, तराजू का एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है, जगत का सारे सत्कर्म को तराजू का एक तरफ धर दिए और दूसरे तरफ में तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा धर दी। जिधर महिमा धरे ना, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और जितने सारे सत्कर्म हल्का होकर ऊपर उठ गया,
परीक्षित महाराज को, ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए बोले भैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाभागवत, चतुसन महाभागवत, नारद महाभागवत, भैया निरंतर यहाँ पर कथा चलते रहे, निरंतर यहाँ पर कथा चलते रहे। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति, चतुसन नारद जैसे व्यक्ति नित्य निरंतर रोज नित्यम भागवत से भैया नित्य ही भागवत कथा रस में डूबे रहते। अरे हमारी बात छोड़ दो, इसलिए क्या करना है कथा से पहले आना। मैंने बोल दिया था 4:30 बजे कथा शुरू कर देंगे और कोशिश करके 7 बजे छोड़ देंगे। लेकिन आरती कितना बजे थी प्रभु जी? 6:20 में पहले 6 बजे उसी समय में भी है थोड़ी बहुत भक्त लोग आए थे। इसलिए देखो ज्यादा दिन तक कथा नहीं होगी और 5 दिन रह गया। और आज नवीन प्रभु बहुत बड़ी बात, अब घर में कौन बैठे हमको मैनेजर गए थे प्रभु जी आज बहुत बड़े दिन भर लग करके बहुत बड़ा काम किया। क्या क्या है जो रथ यात्रा है ना, 2 साल से जगन्नाथ जी रथ यात्रा नहीं हो, इन्होंने रथ यात्रा हम निकालेंगे इसका प्लानिंग इस आदेश लेकर प्रभु जी आगे आज इस बार कोशिश करेंगे बड़े धूमधाम से जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेंगे और खूब आनंद में नाचते कूदते हुए पूरा बड़ौत में ठाकुर का कीर्तन करते हुए हम जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेंगे। ठीक है, प्लस जगन्नाथ रथ यात्रा की तो इसीलिए वेद रूपी कल्प के नीचे हम विराजमान हैं। लेकिन उसके बाद में वर्णन करते हैं गलितम फलम, कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम। बोले भैया पेड़ भी नहीं, पेड़ का सार होता है फल। जैसे यदि किसी ने आम का वृक्ष रोपण किया तो आम की टहनियां कोई नहीं चूसता, आम के पत्ते कोई नहीं खाता, उसके अंदर जो सुंदर फल लगता है वो फल का ही सब आस्वादन करते हैं। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का अगर फल यदि देखोगे तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते ना अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो असो वेदार्थ परिगृहितम, कि सभी ग्रंथों का सार सार लेकर ये सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये भागवत ग्रंथ है क्या? बात मत करो सब लोग, दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। सभी वेदों का सार ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ होकर विराजमान है। और विशेष करके फल तो है ही, लेकिन एक विशेषता क्या है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। आप देखो जैसे टहनी के ऊपर यदि फल लगा हुआ हो, अगर उसके अंदर कोई तोता मुंह मार दे, तोता अगर उसमें अपने चोंच मार दे तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। या फिर ऐसा कह रहे हो कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो कि मीठा हो, तो दोनों ही तरीके से देखोगे तो ये क्या है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत कथा यद्यपि मंगलमय है, बड़ी ही मधुर है, बड़ी ही कल्याणकारी है, लेकिन तब पर भी जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुई है तो उसकी मिठास और बढ़ गई। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कहते हैं ये तो साक्षात अमृत स्वरूप है। और उसके बाद में वर्णन करते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, कहते हैं यदि तुमने पहले कहा था कि फल है तो फल को तो खाया जाता है, फल को कभी पीते हैं, फल को कभी पिया जाता है, लेकिन यहां कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, भैया इस फल को पियेंगे कैसे? बोले ये एक ऐसा फल है जिसके अंदर ना ही तो छिलका है और ना ही गुठली है, सब चीज ग्रहण करने योग्य, इतना रस का समुद्र है जिसको बस आकंठ पान करते रहो करते रहो करते रहो। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी त्यजनीय वस्तु नहीं है, सब चीज इसके अंदर ग्रहण करने को है। जिस प्रकार एक फल में गुठली और छिलका निकाल देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा रसमय फल है कि इसकी सब चीज आहरण करने के लिए ही है। पिबत भागवतम रसमालयम, फिर कहते हैं मुहुरहो, मुहुरहो अर्थात कि इस रस का बार बार पान करो। उदाहरण देकर बतलाते हैं, जैसे एक शराबी, शराबी क्या करता है, शराब पीता है, एक समय पर रात में पिया और उसका नशा सुबह उतर जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या उसी प्रकार? बोले नहीं, इस ग्रंथ का निरंतर यदि कोई पान करे, मुहुर अर्थात बार बार इसका पान करो, पान करते करते यदि मूर्छा हो जाए तो पुनः वापस उठ के और फिर इसका पान करने लग जाओ। तो इसीलिए इसका पुनः पान करो, और पान करोगे कहां, बोले भुवि, इसी पृथ्वी लोक पर,
यहीं पर ही ये भागवत कथा इतनी सुलभ रूप में हम लोग को अवेलेबल है। और कहीं पर सुन रहे थे ना, स्वर्गे सत्य च कैलाश, कहीं पर भी स्वर्ग लोक हो, मर्त्य लोक, ब्रह्म लोक या कैलाश में भी ये कथा उपलब्ध नहीं है। और इसको पान कौन कर सकता है? कहते हैं दो लोग पान करेंगे, रसिका और भावुका। जो रसिक है, जो भागवत कथा के रसिक है, और जो भावुक, जो दीनहीन हृदय से, जिनका निर्मल हृदय हो, वो इस ग्रंथ का पूर्ण रूप में आस्वादन कर पाएंगे। इस तरह से ये भागवत ग्रंथ हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। ये तीन मंगलाचरण श्लोक में यहाँ पर वर्णन किया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो तीसरा श्लोक है ये आशीर्वाद, कहते भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, भले यद्यपि ये रस को सब भक्तों ने पान की है, लेकिन इसको पूर्णतम रूप में किसने पान की है? कहते ये उसको ब्रज गोपियों ने पान किया। इसलिए वेद में कहते हैं जय जय जी हजा, वेद में बताते हैं कहते ये रस क्या, भले कृष्ण की अधरामृत है, भले ये अधरामृत को कौन पान की है? इसलिए बामन पुराण में प्रमाण आता है, ये ब्रज, ये गोपी जो बामन पुराण में बताए, जो वेद का जो मंत्र ने कठोर तपस्या की, किसकी? बल भगवान कृष्ण की। जब कृष्ण संतुष्ट हुए, बल बरमागो, बोले प्रभु हम गोपी रूप में जन्म लेना चाहते हैं। कृष्ण बोले नहीं, और कोई चीज मांगो, बोले प्रभु हम तो इसी रूप में ही आपको भक्ति करना चाहते हैं। भगवान आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है। कदी ये वेद भी, स्वयं ऋचाए भी ये गोपी बन करके आई और तपस्या करके उन्होंने कृष्ण की अधरामृतों को इन लोगों ने पान किया है। बोले इसको सर्वतम रूप में गोपियों ने पान की, इसलिए भागवत में क्या आशीर्वाद देते हैं? कहते किस रूप में कंतों को पान करनी चाहिए? बोले गोपी रूप में। मतलब है यद्यपि कृष्ण को सब लोगों ने उपासना की है, लेकिन सर्वोत्तम रूप में जो उपासना करने वाले से ब्रज गोपियां हैं, और उद्धव जैसे व्यक्ति जिनके चरण की धूल को वंदना करते, उद्धव जैसे व्यक्ति, इनकी बात छोड़ दो, शंकर स्वयं गोपी बन करके आते हैं रास दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा भी स्वयं गोपी बनने के लिए तपस्या कर रही है, लक्ष्मी भी बैंड वन में बैठी करके अभी भी तपस्या कर रही है गोपी बनने के लिए, और हम लोग जो भजन कर रहे हैं ना, हम भी यही गोपी बनने के लिए भजन कर रहे हैं, गोपी बनने के लिए भजन कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए हैं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिन चिराग, जो वस्तु ब्रह्मा का एक दिन में जो मंजरी भाव उन्होंने प्रदान की थी महाप्रभु ब्रह्मा की, एक दिन को बाद में 10,000 जब चतुर्युग बीत गया, महाप्रभु आकर के वही गोपी भावों को देने के लिए आए हैं। इसलिए भागवत आशीर्वाद क्या देता है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, बोले जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये ब्रज गोपियां हैं, यही ये श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राधे। हम तो बोल रहे थे 7:30 बजे विश्राम दे देंगे, लेकिन आप लोग आए देर में, कथा लास्ट देर में ही, इसलिए अभी कथा को विश्राम दे देते हैं। अगर आप लोग अगर जल्दी आ जाओगे ना, ज्यादा कथा सुन सकते हो, और 7:30 बजे भी हम कथा को विश्राम दे देंगे। प्रभु जी भजन बोलेंगे, उसको बाद में भागवत की आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर जाना, तब प्रभु आरती थाला ले आना, प्रभु जी एक नाचने वाला भजन गा लो, सबके सब खड़े हो जाओ, जितने बढ़िया नाचोगे ना आज बढ़िया प्रसाद बना है, अरे भूख लगेगा तभी तो प्रसाद का आनंद आएगा ना, हैं? सुंदर प्रसाद बनाई, खूब खूब बढ़िया से नृत्य करना सबके सब, भैया चकाचक भजन गाओ।